मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जहां हम लोग रुके थे पिछली क्लास में। आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को लगता है पूरे 2 साल तक भी शायद अच्छे से समझ में नहीं आया। तो मतलब इंटरेस्टिंग भी है, डिफिकल्ट भी है समझने के लिए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको और आसान तरीके से समझे कि कैसे आसान तरीके से समझा जा सकता है। मैंने तो बहुत बारी देखा है कि बच्चों का IIT हो जाता है और तो भी उनको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मतलब वो लोग क्योंकि उसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बट मेरे पास जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं एक ही फॉर्मूला लिखूंगा पूरे रिलेटिव वेलोसिटी में और वो पूरे रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन कर देगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटीज विद डिफरेंट वेलोसिटीज, देन वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट ए with respect to another object B is called relative velocity of object A with respect to B. Relative velocity का concept समझने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को, तुम लोग सभी लोग ट्रेन पे यात्रा किए होगे, सफर किए होगे। ट्रेन पे अगर हम लोग जा रहे हैं, है ना, तो लेट से ये ट्रेन मूव कर रहा है, ये ट्रेन इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेन में लेट से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ट्रेन में फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ और मेरे साथ मेरा एक मित्र बैठा है मेरे सामने, ठीक है। अब हम दोनों बैठे हुए हैं, लेट से ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये दो लोग बैठे हैं, और एक हमारा मित्र है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, ये सी जो है ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब ट्रेन जब चलनी शुरू होगी, है ना, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये दूसरा जो आदमी है जो बैठा हुआ है ट्रेन पे मेरे सामने, वो मुझे रेस्ट पे दिखेगा, दिखेगा ना रेस्ट पे, मेरे सामने वाला आदमी मुझे रेस्ट पे दिखेगा। और यही ये जो आदमी, ये जो फ्रेंड हमारा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको हम दोनों मूव करते हुए दिखेंगे, है ना, और हम लोगों को ये आदमी पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, है ना। प्लेटफॉर्म क्या है, पीछे छूटती चली जाती है, तो आदमी लोग पीछे छूटते चले जाते हैं जो बाहर है। तो हमारे रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, हम अगर ऑब्जर्वर हैं तो सी पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा, अगर सी ऑब्जर्वर है तो ए और बी दोनों आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, और ए अगर ऑब्जर्वर है बी के लिए तो बी उसको रेस्ट पे दिखेगा। तो देखो जो जर्नी है, जो मोशन हो रहा है, मोशन तो जो है वो है ही कि ट्रेन मूव कर रहा है, बट अलग अलग जगह पे से ऑब्जर्व करने से अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमें लगता है। एक आदमी रेस्ट पे दिख रहा होता है, दूसरे आदमी को वही आदमी सामने की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा होता है, तीसरे को वही पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा होता है। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है। तो बेसिकली क्या है कि एक ही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी is equal to velocity of A minus velocity of B. पूरे relative velocity में यही formula से हम सब चीज prove करेंगे। हमें और हजार formula याद करने की जरूरत ही नहीं। तो relative velocity of A with respect to B is VA minus VB. अब मान लो जैसे, और ये जो A और B है ना, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, VA और VB क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो ट्रेन का वेलोसिटी अगर हम कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, राइट, तो VA का भी वेलोसिटी 10 होगा, VB का भी वेलोसिटी 10 होगा। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम देखो तो तुमको ये इसका भी स्पीड 10 और इसका भी स्पीड 10 होगा ना बच्चों। जो भी आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है सबका स्पीड ट्रेन के स्पीड के बराबर है, अगर वो रेस्ट पे है, मतलब बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये दोनों 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे जा रहे हैं। अब अगर हम लोग देखो एक एक करके समझना शुरू करते हैं कि VA दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकंड, मतलब VA का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, और VB का मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, C क्या है, स्टेशनरी है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है बस, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगा।
तो जब मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए बी के रेस्पेक्ट में क्या है, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब इस बी वाले आदमी को ए कैसा दिखेगा, तो वो क्या है, वी ए माइनस वी बी है। वी ए है मेरा 10, वी बी भी है 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ए को, मतलब बी को ए क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा क्योंकि वो स्टेशनरी है, 0 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी ए का बी के रेस्पेक्ट में 0 आया, मतलब ए बी को क्या दिखेगा, बैठा हुआ, रेस्ट पे दिखेगा। क्लियर है ये? देखो उसी फॉर्मूले से हमारा आ गया वो कॉन्सेप्ट। यही चीज अगर हम लोग उल्टा भी कर देते, वी बी ए कर देते, तो ये क्या हो जाता, वी बी माइनस वी ए, राइट। तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, वी बी माइनस वी ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम बात करें, वी बी माइनस वी ए मतलब 10 माइनस 10 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, वी बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी मेरा क्या है, 10 है, ए का भी 10 है, तो बी माइनस ए 0 हो गया, मतलब बी जो है ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए को क्या दिखेगा, बी भी रेस्ट पे दिखेगा। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं, जो हम लोग बोल रहे थे कि ग्राउंड में कोई आदमी है उसको क्या दिखेगा, हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। ये ए का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग को निकालना है, तो ये हम लोग लिखेंगे वी ए माइनस वी सी। तो वी ए माइनस वी सी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए 10 है, वेलोसिटी ऑफ सी 0 है, 10 माइनस 0 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए सी के रेस्पेक्ट में, अगर सी ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे स्टेशनरी खड़ा है, तो ए उसको 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाता दिखेगा। ये भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी से निकल गया। चौथा मैंने बोला था कि अगर हम लोग को जो सी का वेलोसिटी निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, ए या बी के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ सी है 0, वेलोसिटी ऑफ ए है 10, 0 माइनस 10 क्या हो गया, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब सी ए के रेस्पेक्ट में माइनस 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दिखेगा जाता हुआ। तो पॉजिटिव वेलोसिटी अगर इधर है, नेगेटिव वेलोसिटी हमें पता है लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये सी हम लोगों को पीछे के तरफ जाता हुआ दिखेगा। ए जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा, सी जो प्लेटफॉर्म पे आदमी है वो पीछे छूटता हुआ दिखेगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दिखेगा, है ना। वो तो अपने आप को स्टेशनरी मान रहा है ए, है ना, उसके रेस्पेक्ट में सी उसको पीछे के तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर ऐसे भी समझना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना हमेशा जरूरी नहीं है, तुम बी ए माइनस बी बी लिखोगे वो भी सही है। तो मैं अक्सर, मतलब तुम देखोगे मैं पढ़ाने समय ज्यादा ऐसे लिखूंगा, बट बहुत सारे बुक्स में, मतलब एस सी वर्मा में कभी कभी तुम ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे, कंफ्यूज नहीं होना। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात कर रहा है, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज निकाल रहा है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोगों ने देखा था देयर आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा था तो देख लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो या तो स्टेशनरी होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा, एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। और इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब कि जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम नहीं करता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कराने के लिए हम लोग अलग से एक फोर्स, स्यूडो फोर्स कंसिडर करते हैं। ये सब चीज हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल में करेंगे, अभी बस समझो
कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो अर्थ क्या कहलाता है? अर्थ बेसिकली इवन दो वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, बट हम लोग एज्यूम करते हैं कि अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो जो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज निकाल रहे हो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटीज होती है। दुनिया में एब्सोल्यूट तो कुछ है ही नहीं ना, ग्राउंड भी क्या है, मूव कर रहा है सन के रेस्पेक्ट में, है ना, और ये जो पूरा सोलर सिस्टम है ये भी मूव कर रहा है ना। तो बेसिकली नथिंग इज स्टेशनरी, तो हम लोग कभी भी कुछ भी इनर्शियल फ्रेम ले ही नहीं सकते, बट एजम्पशंस ये किए जाते हैं कि अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। सो बहुत जगह तुम देखोगे लिखा हुआ कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव, मतलब जो भी तुम निकाल रहे हो वेलोसिटी स्पीड ये सब सब रिलेटिव है, किसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, मतलब जब भी हम स्पीड बोलते हैं ना तो किसके रेस्पेक्ट में स्पीड, वो जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सब क्वेश्चन गलत हो जाए। स्पीड दिया हुआ है तो अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, अदरवाइज तुमको वो दिया होगा कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में है या फिर कार के रेस्पेक्ट में है या भी जो भी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में है, तो हम लोग उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के फिर सॉल्व कर। ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये आपका सारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इस पे हम लोग और थोड़े बात करते हैं जो दिया हुआ है उन सब चीज पे जो थ्योरी लिखा है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर इज द वेलोसिटी विद विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रेस्पेक्ट टू अनदर, हेंस रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होता है उसके रेस्पेक्ट में उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, हम लोग क्या बोलेंगे, वी बी ए को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी ए बी लिखना होगा तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब यहाँ पे जो पहले है उसको प्लस लेंगे और बाद में दूसरा वाला को माइनस कर देंगे, है ना, समझ में आया। वी वन टू मतलब वी वन माइनस वी टू, और उसी तरह वी टू वन का मतलब वी टू माइनस वी वन। क्लियर है बच्चों? यस सर। देखो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तुम देखोगे कि स्कूल में जो टीचर्स वगैरह पढ़ाएंगे जो ऐसे वो सीधे बोल देंगे भाई ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों का स्पीड, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऐड कर दो, है ना। ये तुम लोग पहले भी फिजिक्स विजिक्स में कभी पढ़े होगे, अगर जूनियर क्लासेस में भी तो इस तरह की चीजें बोली जाती हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर दोनों का सम निकाल लो। सो यहाँ कह रहा है व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग along parallel straight lines in the same direction, that is angle between them is zero, relative velocity of A with respect to B is given by VAB, that is VA minus VB, hence VBA, VA and VB all are in the same direction, VBA nahi VAB ho gaya, all are in the same direction, we can write VAB is equal to VA minus VB. So if two objects are moving in the same direction, the magnitude of relative velocity of one with object with respect to another is equal to difference in the magnitude of two velocity. Same direction में अगर move कर रहा है, मान लो एक car है, ठीक है, ये car A है, ये car A जो है 15 meter per second के speed से चल रहा है, दूसरी car है जो उसी के साथ यहाँ पे है, ये car जो है ये 10 meter per second के speed से जा रहा है, कार बी है, अगर हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी ए का बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो सिंपल है भाई, वी ए माइनस वी बी कर देंगे, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस वी बी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 15 माइनस 10 हम बोल देंगे 5 मीटर पर सेकेंड हमारा
ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, राइट? तो वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, ऐसे करके तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बहुत बारी ये बोला जाता है कि तुम बस इसको याद कर लो कि मूविंग इन द सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर इज इक्वल टू डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेलोसिटी। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट आया कैसे? वो बेसिक डेफिनेशन से ही आया है कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये जो वेक्टरली बताया हुआ है ना, ये हम लोग जो वेक्टर्स करेंगे तब उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये डायग्राम को अभी मत समझो, अभी बस नॉर्मल बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी को समझो। इसके इस टॉपिक के बाद हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे और तब वेक्टर्स करेंगे। उसके बाद फिर चौथा चैप्टर जो मोशन इन अ प्लेन है वो स्टार्ट कर, जो एनसीईआरटी में चौथा चैप्टर। अब व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम लोगों ने देखा कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मान लो VA का वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग को नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, है ना? नेगेटिव साइन बताता है कि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। 15 मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी लिख रहे हैं ना, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो 15 मीटर पर सेकेंड राइट के तरफ जा रहा है तो इसको प्लस 15 मीटर पर सेकेंड लिख रहा है। और यही एक ऑब्जेक्ट ये ए है, मान लो बी है, ये लेफ्ट के तरफ जा रहा है, लेफ्ट के तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको हम लोग माइनस 10 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका वेलोसिटी। तो वी ए 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, वी बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब अगर हम लोग बी ए बी निकालना है तो ये हम लोग सिंपली वी ए माइनस वी बी करते हैं, 15 माइनस ऑफ माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 प्लस 10 विच इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर साइन तुम कंसिडर कर लो, वी ए माइनस वी बी कर रहे हो और वी बी का डायरेक्शन है ना नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ तुम पुट करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेसिकली वी ए बी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी लिख लेंगे क्योंकि वी बी नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, वी ए प्लस वी बी। तो मतलब जो स्पीड बस मैग्नीट्यूड दिया हुआ तुमको लिखा है, यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्शन कंसिडर कर लिया ना माइनस साइन के साथ, तुमको लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट राइट के तरफ या ईस्ट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो या तो तुम साइन पहले कंसिडर कर लो, या सिंपली तुम कर लो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, दोनों के वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे, मतलब 15 प्लस 10 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा है कि इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, the magnitude of relative velocity of one object with respect to other is equal to sum of the magnitude of their velocities. Magnitude मतलब direction नहीं consider करना है, मतलब plus minus sign यहाँ पे नहीं लिखना है, बस number लिखने हैं। Magnitude का मतलब बस ये जो number है 15 और 10, तो उसका relative velocity क्या होगा, 15 plus 10 कर देंगे 25 meter per second हमारा इसका relative velocity हो जाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नीट्यूड निकालना है उसके वेलोसिटी का, है ना, मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, तो उसको हम उन दोनों के वेलोसिटीज को ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या रिलेटिव वेलोसिटी है। तो 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया। ठीक है बच्चों? तो हम लोगों ने पढ़ा भाई सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज ऐड कर देते हैं। आया कैसे? आया उसी मेथड से जो हम लोगों ने पहले निकाल रखा है, जो वी ए माइनस वी बी होता है, यही बस ध्यान में रखना है हम लोग। ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखो, अ कार ए इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो, कार ए का स्पीड
सो ए का वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा दिस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आर. इसको मीटर से पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को पता है किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पता है ना सभी बच्चे को? यस सर. 6 3 18, 6 10 60 हो गया. ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड. इसको सॉल्व कर लो तो 16.67 मीटर पर सेकंड है ना. 50/3 करते हैं, 16.67 आता. अब ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, स्ट्रेट रोड के रेस्पेक्ट में. इज अहेड ऑफ कार बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. और ये जो कार बी है इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. और ये कुछ इस तरीके से रोड पे है कि भाई कार ए यहाँ पे है और दूसरा कार बी यहाँ पे है. ठीक है, इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड हो गया 16.67 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कभी भी फिजिक्स में जो डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाना हमेशा जरूरी होता है, इसीलिए कि जिससे कि तुम्हारा यू नो विजुअलाइजेशन हो सके. तुम क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, किस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है चीजों को, वो हम लोग को पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये जो चीज जब अगर ये आदत में ले आओगे एक डायग्राम बनाना, मुझे देखोगे कि हर क्वेश्चन में मैं डायग्राम बनाता हूँ चाहे रिक्वायर्ड हो चाहे नहीं, है ना. कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? अरे नहीं जरूरी है, आईआईटी और नीट में कोई तुम्हारा कॉपी थोड़ा ना देखता है कि तुमने क्या डायग्राम बनाया है. बट एक डिसिप्लिन वाली बात, एक आदत वाली बात, जैसे ही वो आदत में आ जाएगी तुम्हारे, तुम कभी भी कोई गलती नहीं करोगे और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. अब क्या कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी. हम लोगों को पता है भाई सेम डायरेक्शन में जाता है तो सीधे सबट्रैक्ट कर देते हैं, या तो वैसे कर लो भाई दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अदरवाइज मैंने जो बताया है उसको करो, वी ए माइनस वी बी कर लेते हैं. दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का साइन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन राइट वर्ड्स. तो वी ए है हमारा 16.67, वी बी है हमारा 10, तो 6.67 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट लिख लो इसको. क्लास में कोशिश किया करो, जब समझा रहे होते हैं तब क्वेश्चन साथ साथ में लिखते भी रहा करो, जिससे सॉल्यूशन फटाक से लिख के तुम लोग जो है बेसिकली तैयार हो. कम से कम क्वेश्चन आंसर्स जितने हैं वो सब तुम्हारे कॉपी में होनी चाहिए. उसके अलावा जब क्लास खत्म होता है, या तो ऐसा किया करो, क्योंकि हम क्लास के बाद ऐसे भी ये सारे नोट्स शेयर करते हैं ग्रुप में, तो वहां पर से अपना नोट्स बनाया करो. कितने लोगों ने अपनी कॉपी बना के नोट्स बना रहे हैं? कितने लोग हैं ऐसे बना रहे हैं कोई नोट्स, या कोई भी नहीं बना रहा है? हाँ, बनाना है बेटा. जब अगर आप जब तक आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा हासिल होगा. ठीक है, 2 महीने बाद तुमको रियलाइज होगा कि तुम्हारे पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तुम रिवीजन कहाँ से करो. इसीलिए लिख के रखना, तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ बहुत जरूरी है. कॉपी बनाओ हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कॉपी अलग अलग बनना चाहिए. और उन सब में ये थ्योरी और साथ में जो मैंने समझाया है, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन के साथ एकदम सुंदर से बना के रखना है. बस इतना ही तुम 2 साल करोगे ना, तो इसमें हम गारंटी करते हैं कि एनआईटी और नीट, जो आईआईटी और नीट, ये सब चीज तुम्हारा आराम से हो जाए. इतना ही बस तुम करोगे. लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो ये क्या कह रहा है कि 2 रेलवे ट्रैक्स राइट. So there are 2 railway tracks are parallel to west to east direction. ठीक है, west to east direction ऐसे parallel है railway track. Along one track, train A moves with a speed of 30 meter per second from west to east. एक track है west to east direction में.
अब ये कह रहा है कि एक ट्रेन है, ए ट्रेन, ये वेस्ट से ईस्ट में, देखो हम लोग का क्या होता है, सबसे पहले तो डायरेक्शन सेंस आप लोग का आई एम श्योर कि अच्छा होगा, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो वेस्ट से ईस्ट के तरफ ए जा रहा है और इसका स्पीड क्या है 30 meters per second, राइट। व्हाइल अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक ट्रेन बी मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 48 meters per second, दो पैरेलल ट्रैक बोल रहा है ना, देखो दो पैरेलल ट्रैक है, मतलब एक और ट्रैक है, दूसरे ट्रैक पे दूसरी वाली जो ट्रेन है ट्रेन बी, ये 48 meters per second के स्पीड से किधर से किधर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो अब हम लोग को वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है। अगर हम लोग यहाँ पे ए का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं और बी का डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं तो वी बी माइनस वी ए, वी बी ए का मतलब वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले तुम ले लो वी ए, दिस इज इक्वल टू प्लस 30 meters per second, और दूसरा वी बी है ये हो गया माइनस 48 meters per second, नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में हमने लिया है भाई। टेक, तुम क्वेश्चन में लिखोगे लेट अस कंसिडर वेस्ट टू ईस्ट एज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट नेगेटिव हो गया, वी बी ए वी बी माइनस वी ए है मतलब माइनस 48 माइनस ऑफ 30, ये कितना हो गया माइनस 78 meters per second। माइनस तो बस क्या है, माइनस का मतलब बस डायरेक्शन बता रहा है, इसको तुम क्या लिखोगे 78 meters per second फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए विथ रेस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो एक आदमी बैठा हुआ है ना उसको क्या दिखेगा, ये बी माइनस 78 meters per second के स्पीड से जाता हुआ। तो तुम देखो याद करो, जब हम लोग ट्रेन पे बैठे होते हैं तो अचानक जब ट्रेन क्रॉस करता है दूसरे ट्रेन को तो हमें लगता है यार वो बगल वाला ट्रेन क्या जबरदस्त बुलेट स्पीड से जा रहा है, लगता है ना, लगता है ना, अचानक से तेज स्पीड से जा रहा है बहुत तेजी से, और उसके बाद जब वो ट्रेन गुजर जाता है तो फिर से घाट गाड़ी जैसा लगता है चल रहा है अपना ट्रेन, लगता है ना बच्चों। Yes, तो वो इसके लगता है, देखो ये 78 जो आया ना ये ऑब्जर्व करते हैं हम लोग ए हैं जो बैठे हुए हैं और हमें बी वाला ट्रेन जो पास में बाजू वाला ट्रेन जो पीछे मतलब दूसरे डायरेक्शन में उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है वो हमें अचानक से बहुत तेजी से मूव करता है, लगता है राजधानी के स्पीड से निकल गया है ना, बाद में पता चलता है कि हम दोनों घाट गाड़ी हैं धीरे धीरे ही चल रहे हैं। सो ये हमारा 78 meters per second फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हो गया। तो ये 78 meters per second जो दिया हुआ है ये बस मैग्नीट्यूड बता रहा है, हम लोग तो डायरेक्शन भी बता दे रहे हैं इसको, है ना, क्योंकि देखो रिलेटिव स्पीड बोला था ना तो डायरेक्शन का जरूरत नहीं था, राइट, इसीलिए 78 meters per second लिखा हुआ, हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं मतलब डायरेक्शन के साथ निकाल। अब उसके बाद कह रहा है रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, अब देखो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है जीरो है, ग्राउंड तो रुका हुआ रहता है ना, ग्राउंड तो मूव करता नहीं है, और वी बी क्या हो गया माइनस 48 हो गया, जीरो माइनस ऑफ माइनस 48 मतलब जीरो प्लस 48 विच इज इक्वल टू 48 meters per second, तो ग्राउंड का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस 48 meters per second है, इसको हम लोग प्लस 48 meters per second कहते हैं, और डायरेक्शन लिखेंगे तो पॉजिटिव है, इसका मतलब 48 meters per second फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी पे अगर हम बैठे रहते ना तो बी को मतलब आदमी जो अंदर बैठा है ऑब्जर्वर उसको क्या दिखेगा ग्राउंड, उसको ग्राउंड हमें हम क्या निकाल रहे हैं ग्राउंड का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो बी जो यहाँ अंदर बैठा है उसको ग्राउंड प्लस 48 meters per second के स्पीड से इधर जाता हुआ दिख रहा है, तो वो तो दिखता ही है, हम लोग नीचे अगर ट्रेन पे देखते हैं खिड़की के बाहर तो हमें क्या दिखता है ग्राउंड पीछे के तरफ जा रहा है,
दिखता है ना ग्राउंड पीछे की तरफ मूव करते हुए, भाई कोई पेड़ है, ग्राउंड है, कुछ भी है, वो सब पीछे की तरफ भागता हुआ दिखता है ना हम लोगों को। हम तो स्टेशनरी है, हमें लगता है हम तो रुके हुए, राइट। तो हमें ग्राउंड पीछे की तरफ भागता हुआ दिखता है, और वो पीछे की तरफ वो बिकॉज वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, इसीलिए प्लस 48 मीटर पर सेकेंड। विजुलाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. बेटा फिजिक्स करने के बाद ना जिंदगी का देखने का नजरिया बदल जाता है। बेसिकली आज के बाद जब भी तुम ट्रेन पे जाओगे ना तो ये सब कहानी तुमको याद आएगी और ये सब चीज को तुम रिलेट कर पाओगे। जिस दिन तुम अपने डेली लाइफ से फिजिक्स को रिलेट करने लगोगे उस दिन से तुम फिजिक्स के ज्ञाता हो जाओगे बेसिकली। उसके बाद तुम ज्ञान ही बांटोगे, बस जो सामने वामने बैठा होगा उसको दो चार झाड़ दोगे ऐसे ही, ये रिलेटिव वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट है। बेसिकली बोलना अच्छी चीज, क्योंकि जितना तुम किसी को समझाओगे ना, किसी को समझाने समय तुम और अच्छे से समझते हो उन चीजों, क्योंकि उसका कुछ क्वेश्चन होता है उसको तुम फिर काउंटर करते हो। तो बेसिकली रियल लाइफ में जितना फिजिक्स का, खासकर मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है, जो रोटेशन तक हम लोग ये पोर्शन करेंगे, ये रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत हद तक तुमको वाकिफ कराएगा, बहुत हद तक तुम जान पाओगे उस चीज। तो अगली बार ट्रेन पे बैठना है तो किसी ना किसी को जरूर ज्ञान देना ये सब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये 11th क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमें, भाई टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ वाले डायरेक्शन में अब रेल ट्रैक है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो अब देखो, दो पैरेलल ट्रैक है, ये नॉर्थ टू साउथ है, मतलब एक ट्रेन ऐसे है, राइट, दूसरा ट्रेन इधर हो गया, है ना। हम लोग ये मान लेते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है। देखो वहां रिलेटिव स्पीड कह रहा था, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कह रहा है। वेलोसिटी आते ही साइंस आने लगेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। ये नॉर्थ साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो हम लोग ईस्ट वाला डायरेक्शन इधर पॉजिटिव लेते हैं और नॉर्थ वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, साउथ के डायरेक्शन को नेगेटिव और वेस्ट के डायरेक्शन को नेगेटिव। ये अगर हम कंसिडर करते हैं साइन कन्वेंशन, अब हमारे पास टू पैरेलल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, तो ये हमारा ट्रेन ए है और ये किधर जा रहा है, ये ए के तरफ जा, मतलब नॉर्थ के तरफ जा रहा है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस 54 किलोमीटर पर आवर कर। अब ये ट्रेन बी moves south with a velocity of 90 km per hour. ये इसका speed, velocity of B is equal to minus of 90 km per hour. है ना, जहां नहीं समझ में आएगा तो रोक लेना बेटा। अब A point क्या है, A वाला क्या कह रहा है, what is the relative velocity of B with respect to A, मतलब velocity of B with respect to A, सिंपल फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, वी बी ए मतलब वी बी माइनस वी ए हो गया। वी बी क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो ये माइनस 90 हो गया, और वी ए क्या हो गया, है ना, वी ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालने बोल रहा है, तो माइनस 90 प्लस ऑफ 54 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो VB माइनस VA कर रहे हैं, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकाल रहे हैं, तो VB माइनस VA इज माइनस 90 माइनस ऑफ 54, ठीक है। ये हमारा VB माइनस VA हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो माइनस 144 इंटू 5/18 कर लो, सो 8 टाइम्स हो गया, माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये, पहला वाला क्लियर है बच्चों?
बी वाले पे आते हैं अब हम लोग. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड है जीरो, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 90 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वी बी माइनस 90 था ना, तो माइनस ऑफ माइनस 90 प्लस 90 हो गया, तो ये 90 किलोमीटर पर आर हो गया, विच इज इक्वल टू 90 इंटू 5 बाय 18. सो ये कैंसल हो गया, सो 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड हो गया. अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन विद अ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. अब ये जो मंकी है ये क्या कर रहा है, इसका स्पीड ये जो 18 किलोमीटर पर आर दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए दे रखा है, और अगेंस्ट द मोशन मतलब कि एक इसके ऊपर एक मंकी है, वो मंकी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है और ट्रेन ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 18 किलोमीटर पर आर, और बिकॉज वो नीचे के तरफ जा रहा है मतलब साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, वो क्या हो जाएगा माइनस 18 किलोमीटर पर आर हो जाएगा. ये पॉइंट क्लियर है सभी को? देखो मंकी है रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए मूविंग विथ मोशन अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन विथ अ वेलोसिटी, अगेंस्ट द मोशन मतलब ए अगर नॉर्थ के तरफ जा रहा है तो मंकी साउथ के तरफ दौड़ रहा है, राइट. और मंकी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए दे रखा है 18 किलोमीटर पर आर, बिकॉज वो साउथ के तरफ जा रहा है इसीलिए मैंने माइनस 18 लिखा है, तो ये क्या हो गया माइनस 18 इंटू 5 बाय 18 कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. क्लियर है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए दे रखा है माइनस 5. तुम्हें क्वेश्चन में निकालने बोला है वेलोसिटी ऑफ मंकी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, मतलब उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालने बोला है, मतलब आपको क्या निकालने बोला गया है, वीएम निकालने बोला गया है, तो दिस इज वीएम माइनस ऑफ वीए. वीए मेरा क्या है वेलोसिटी ऑफ ए 54 किलोमीटर पर आर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे 54 इंटू 5 बाय 18 कर लो तो 18 थ्री जा 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मतलब वीएम माइनस ऑफ 15 हो गया, एक वीए क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस ऑफ 15, माइनस ऑफ वीए का मतलब माइनस ऑफ 15, माइनस 15 को उधर लेके चले जाओगे अब राइट साइड में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा वीएम इज इक्वल टू 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा तो ये मंकी इसको प्लस 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा. प्लस 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कम क्या मतलब हुआ, मतलब मंकी भी उसको नॉर्थ डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ दिखेगा, इवन दो वो साउथ डायरेक्शन में ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, बट उसका स्पीड खुद का कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, तो इवेंचुअली अगर कोई तुम ऑब्जर्वर हो उस मंकी को देखोगे तो वो 15 माइनस 5, 15 से इधर जा रहा था ट्रेन और वो 5 से इधर आ रहा है, तो 15 माइनस 5 10 के स्पीड से राइट ही जाता हुआ दिखेगा हमें, दिखेगा ना बेटा? यस सर. सभी को ना? इवन तो वो दौड़ रहा था ट्रेन के ऊपर लेकिन ट्रेन खुद ही बहुत तेजी से जा रहा है राइट को, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये भाई ये जो मंकी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से राइट को जा रहा है, ट्रेन 15 से जा रहा है नॉर्थ में और ये जो मंकी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. ये
मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में अगर हम बात करें, है ना, ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तुमको तो मतलब पूरा रिलेटिव वेलोसिटी तुमको समझ में आ गया, खासकर सी वाला पार्ट। देखो अगर तुम ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाओ ना तो मैकेनिकली भी एकदम बहुत आसान है, तुमको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, वीएमए मतलब वीएम माइनस वीए और तुमको वीएम का वैल्यू निकालना था, बस फॉर्मूला बेस्ड भी करोगे तो भी हो जाएगा, बट अगर उसको विजुअलाइज भी करते हो ना तो मजा आएगा फिर समझने में तुम विजुअलाइजेशन के साथ। आ गया सभी बच्चों को समझ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, समझना, इस तरह के और क्वेश्चंस हम तुम्हारे साथ आज शेयर करेंगे एक असाइनमेंट, उसको भी करना तुम लोग, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो विल स्टॉप फॉर द डे हियर। और किसी को कोई डाउट है तुम लोगों को, किसी को कुछ पूछना है या कुछ जानकारी चाहिए? तुम लोग को वो मिल गया स्टडी मटेरियल सभी बच्चों को जो लोग रजिस्ट्रेशन मिलेगा? हाँ वो आ गया, पहुंच गया था उस सैटरडे को, मेरे ख्याल से पहुंच गया था फ्राइडे या सैटरडे, तो आज बेटा जाके ले लेना फिर तुम लोग वहां से। हाँ ठीक है, ओके सर। और तुम लोगों को कैसा लग रहा है क्लास, सब अच्छा लग रहा है क्लास? यस सर। Yes, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से? Yes, sir. इस और ये जो मैथ्स की क्लासेस है या केमिस्ट्री और बायो वो भी अच्छी लग रही है सभी को? Yes, sir. ठीक है, कोई भी कोई कंसर्न होगा तो हमसे जरूर शेयर करना, आई विल ट्राई एंड हेल्प फ्रॉम हियर, मतलब मैं देखूंगा कि उस चीज को सही से सॉल्यूशन निकल जाए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, सभी लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे काफी साल से ये लोग पढ़ा रहे हैं, तो सबको करीब 30-25 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो सभी लोग आकाश में कभी पढ़ा रहे थे, कुछ कोटा में पढ़ा रहे थे, तो ऐसे करके हमारी टीम बनी है और काफी अच्छा हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग से भी और यहाँ के बच्चों से भी, तो बहुत उम्मीदें हैं बच्चे अच्छे से पढ़ना तुम लोग, और जब एक बार ये सब खत्म होगा तो मैं जरूर आके तुम लोग से मिलूंगा, फिजिकली देखूं कि कैसे कैसे बच्चे हैं मेरे पास और क्या क्या कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ओके सर। हाँ चलो बाय, टेक केयर बच्चों। थैंक यू सर। बाय सर।